और ये दुल्ला साहब आ गए। और कोई नहीं आया? अच्छा, आप लोगों दो को बुलाया हुआ। लेकिन मम्मी वगैरह जहाँ बैठी है वहाँ पे जाने पे पाबंदी है, सख्त पहरा लगा हुआ है, फुल आर्मी खड़ी है वहाँ पे। हल्के से मैंने नहीं करा ये कसम। पर्दे वाली रुखसती, कैसी तरसी हुई निगाहों से रुखसती देख रही है। मतलब मामू जो है ना हमारी मोमानी को छोड़ के कहीं चले गए और मोमानी अकेले घड़ी में यहाँ पे। देखो मैंने पकड़ा हूँ किसी और लेडीज के साथ। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एक बंदा बोल रहे तो उनको समझ में आ जाए। तो एनीवेज गाइस, बहरहाल अभी हमारा चल रहा है नाश्ता, कड़क रोटी और विद चाय। ये भाई चाय वाय निकालते हैं और गाइस ये लेवल जो है ना गरम चाय है। मुंह तो हटा ले अपना भी। तो सो गाइस, ये आज हमारी कड़क रोटी एज यूजुअल, चाय एज यूजुअल, अहमद और ये इतनी इतनी भी झंडियां लेकर आया भाई। एनीवेज गाइस, सौदा का आने वाली झंडियां बंडियां लेकर आ गया ये गाइस। अभी हम करते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं बाद में आप लोगों से। हमारे आईफोन तो मक्खी आके बैठ गई है। वेलकम बैक गाइस। यार नाश्ता वास्ता कर दिया मैंने भाई, और कड़क रोटी खाने का यार मजा ही अलग होता है यार, कसम से। रोजाना खिला दो, रोजाना कड़क रोटी खा लूंगा। अब ये सीन सारा कुछ ऐसा है कि भाई आपको जैसे बताया था कि हमारी कजन की शादी स्टार्ट हो रही है, शादी तो स्टार्ट हो रही है, जिसका मुझे पता नहीं था। वो तो उन्हें हीरा ने बताया कि भाई हफ्ता इतवार को शादी में जाना है, आज बारात है और कल है वलीमा। और जाहिर बात है कि जब शादी होती है तो भाई कपड़े तो इंसान को चाहिए होते हैं। अच्छा, शादी में आज मुस्तफ़ा और हीरा नहीं जाएंगे, अहमद और मैं जाएंगे खाली भाई, क्योंकि मुस्तफ़ा इतना तंग करता है इसकी कोई हद नहीं। ऐसा ना आज हम लोग बारात में जाएं और फिर ये देख के रोना शुरू कर दे और फिर हम लोगों को घर आना पड़ जाए। क्या है तुम्हारे हाथ में भाई? ओ ओ भाई, अच्छा मैं गाइस मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे घर में एक बरमूडा ट्रायंगल है जिसमें अहमद इतनी चीजें डालता है और वो चीजें गायब हो जाती हैं, उसके बाद वो आती नहीं है। देखिए बरमूडा ट्रायंगल अहमद के पीछे ही है, आपको दिखाता हूँ हमारे घर में बरमूडा कौन सा। देखिए अहमद जाएगा और फिर नजर ही नहीं आएगा। देखिए अहमद जा रहा है बरमूडा के अंदर, बरमूडा में जाता है तो फिर बंदा वापस हम ले आएंगे तुम्हारे को, हमारा बरमूडा ऐसा है। ये अहमद चला गया बरमूडा में अंदर। अब मैं इसको डराऊंगा छुपकली के। ओ छुपकली, ओ छुपकली। ये तीरे इतने डरता है, हद नहीं है। और बात हो रही थी उसकी, अपना कपड़ों की बात हो रही थी भाई, कपड़े चाहिए, कपड़े कपड़े नए कपड़े, शादी में जाने के लिए नए कपड़े। अब मैं सोच रहा हूँ यार क्या करूँ, जो ईद और बकराईद पे सलवार कमीज बनाए थे यार वही निकाल देते भाई। वही बात है, अब शादी का पता नहीं था तो कपड़े कैसे बनाते, तो सलवार कमीज देखते हैं। दो दिन पड़े होते हैं आपके भाई के पास है अच्छे नए साफ सुथरे भाई, तो देखते हैं। तो गाइस मैंने तीन सलवार कमीज निकाले, अब मैं देखता हूँ कौन से पहनता हूँ भाई। ये देखिए मैंने निकाले, एक ये वाला निकाला है और एक ये कमीज है। हाँ ये अच्छी लग रही है, चलो देखते हैं। तीन सलवार कमीज मैंने निकाले भाई, अभी हीरा से पूछता हूँ भाई कौन सा पहन के जाना है आज मुझे। और जो मेरे दाढ़ी बात में थोड़ा सा मोटा भी हो गया हूँ, तो अब देखते हैं कौन सा मेरा आता है और कौन सा हीरा बता दी भाई ये पहन दो। अहमद साहब ने 14 अगस्त की तैयारियां शुरू कर दी भाई, मैं दिखाता हूँ आपको। देखें झंडियां माशाल्लाह इतनी बड़ी लेकर आए, दुनिया की सबसे बड़ी झंडियां लेकर आए। अरे कोई बात नहीं बेटे, इसमें पाकिस्तान नहीं लिखा, अरे पाकिस्तान लिखा हुआ ही नहीं है इसमें, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ है भाई। ये इतना कॉन्शियस है, अगर कोई झंडी गिर जाए, कोई झंडा गिर जाए तो रोना शुरू कर देता है भाई। तो चकल दिया भाई, लाई बनवा ली इसने। और ये अच्छा मैं कह रहा हूँ ऊपर लगवाना, मतलब मुस्तफा सारे निकाल निकाल के तुम्हारा पाकिस्तान नीचे फेंक देगा, बता रहा हूँ। अरे बच्चे को पागल, बच्चे को अंदर ले जाऊँ? नहीं नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, आप लगाए। नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा अंदर। और मुस्तफा का बात सुनो, ख्याल रखना बहुत ज्यादा, बता रहा हूँ। ये अल्लाह ना करे ये इधर से कूद नहीं करता है, तुम्हें पता है ना इसकी हरकतें क्या है, तो ख्याल रखना इसका भाई का। सही, तो भाई तुम बनो फुल पाकिस्तानी और लगाओ झंडियां वंडियां। One eternity later. भाई हुआ नहीं हुआ? वाह यार इतनी सारी लगा दी है माशाल्लाह इसने भाई, ये पूरा दरवाजा पैक कर दिया। अहमद तो फुल झंडियां वंडियां लगाने में लगा हुआ भाई, और अहमद दरवाजा बंद कर रहा हूँ मैडम, मुस्तफा आ जाएगा। तो भाई भाई मैंने कपड़े वपड़े तो निकाल दिए रात को शादी के लिए, फेरा डिसाइड करके इस्त्री इस्त्री कर देगी भाई। मैं जा रहा हूँ शेव वेव बनाने के लिए भाई, थोड़ा बंदा शेव वेव बनवा ले और पप्पू बच्चा बन जाए। फिर इस्त्री इस्त्री करके सारे कपड़े रख देना मेरे, सही है। और अहमद के भी जो निकाल देना निकाल देना, ठीक है। तो भाई से मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, तेरा शेव वेव बनवा लूँ। A few moments later. मुस्तफा अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ मुस्तफा। यार अहमद हो गया पाकिस्तान, यार कितना मनाएगा, बस कर बहुत मनाएगा। इसका इसका ख्याल रखो भाई का, ख्याल रखो भाई का। यार ये हीरा इसका ख्याल रख लो भाई,
तो देखो ख्याल रखो। तो गाइस मेरे भाई फाइनली कपड़े डिसाइड हुआ कि भाई मैं कौन सा सलवार कमीज पहनने जा रहा हूँ। भाई ये देखें, ये सलवार कमीज हिरन निकाले भाई, ये रात को पहन के हम चले जाएंगे बारात में। ये तकरीबन रात को 9 बजे बारात में निकलूंगा। अभी तो जो घर के काम काज है भाई वो कर रहे हैं, निपटा रहे हैं, बच्चों की चौकीदारियां कर रहे हैं, जो हमारा काम है ये है। बहरहाल अभी मैं जा रहा हूँ किसी काम से बाहर, आता हूँ थोड़ी देर के बाद। हीरा को लेकर मुझे मार्केट जाना था, लेकिन मुस्तफ़ा साहब को इतनी शदीद नींद आई कि उसने रोना पीटना मचाया, कह रहा है भाई मुझे सुला दो। अहमद ट्यूशन गया हुआ था, हमें चलो इस दौरान मार्केट से होकर आ जाएंगे, लेकिन अहमद भी आ गया, मुस्तफ़ा भी सो गया, मार्केट का रह गया। तो भाई अब हमारा प्लान ये बना है कि भाई हम जा रहे हैं मुस्तफ़ा साहब के बाल काटने। बाल काटने जा रहा हूँ भाई मैं उसके, क्योंकि उसके बाल इतने शदीद बढ़ गए, इतने ज्यादा बढ़ गए, पूरा घूम घूम के घूम घूम स्पेगेटी और मैगी बनाया था ना। हाँ। मैं वो गोल गोल अरे यार सही कह रहा है मुस्तफा के बाल, क्योंकि मैगी जब पक जाता है ना वो गोल 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 हो जाते हैं, मुस्तफा के बाल ऐसे हो गए। हमने सोचा यार मौके से फायदा उठाया और मुस्तफा के बाल काटने, वरना आपको पता है वो हमारे हाथ को लगता ही नहीं है, कहीं भागता रहता है भागता रहता है। अभी वो सो रहा है और अभी अभी सोया, पक्की नींद में होगा आपका भाई बाल काट देगा, क्योंकि 2 से 3 दफा मैं पहले भी काट चुका हूँ। हम लोगों ने जानबूझ के इसको भाई जमीन पे सुलाया हुआ है, क्योंकि बेड पे अगर हम बाल काटेंगे ना तो पूरे बेड पे बाल चिपक जाते हैं इसके। छोटे कर लेना, छोटे कर लेना, बीच से कम नहीं करें, साइडों से छोटे करते हैं बस। गाइस मैं इसके पहले बाल काट लूँ, मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसके बाल काटने के बाद, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बाल काटेंगे। तो जिसका डर था वही हुआ यार, आधे बाल भी नहीं कटे थे और वो उड़ गया, क्योंकि मशीन की आवाज़ होती है ना ट्रिमर की, तो वो आँख खुल जाती है उसकी। इस मेरे ख्याल से पक्की नींद हो नहीं पा रही है, पक्की नींद होती ना तो उठता नहीं है। मैंने 2 से 3 दफा उसके बाल ऐसे ही काटे जब उसकी पक्की नींद हो गई थी ना, मैंने पूरे पूरे बाल काट दिए थे उसके, लेकिन अभी थोड़े से साइड के बाल कटे थे और उसकी आँख खुल गई, और जब वो उड़ गया था ना दिमाग की लस्सी पूरी कर रहे थे भाई। अब खैर इंतजार करते हैं, जब सोएगा तो फिर काटेंगे मुकम्मल बाल इसके। A few moments later, मैं आपको मुस्तफ़ा का फाइनल लुक दिखाता हूँ, जो इतनी मेहनत मुशक्कत रोने पीटने के बाद जिसका लुक आया ना, तो भाई ये कहीं ले जाने के थोड़ा बहुत काबिल हो गया है। बाल तो ही कट गया यार, मसला थोड़ी गया, सही है, बेहतर हो गया, बेहतर घोसला वोसला जो बना हुआ ना भाई वो खत्म हो गया है मुस्तफ़ा का। 2000 years later, फाइनली आपका भाई और अहमद भाई रेडी हो गए हैं शादी में जाने के लिए। बड़े दिनों के बाद मैंने सलवार कमीज पहना और मुझे खुद अच्छा अच्छा लग रहा है भाई, सलवार कमीज पहन के सब खुला खुला लग रहा है। तो भाई रेडी हो गया मैं भी और अहमद भी। तो भाई अभी एक आध दो छोटी सी हमें वीडियो बनानी है इंस्टा पे रील डालने के लिए, क्योंकि काफी दिनों के बाद हम अच्छा तैयार हुए ना भाई। तो हम जा रहे हैं अभी अपने किसी ना किसी कमरे में जाके रील बना लेंगे। ओ नहीं पाँव नहीं पड़ो बेटा, मैं आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नहीं नहीं माफ करा बेटा, हड़िया हो, माफ किया, शाबाश। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पाँव बड़े बच्चे पाँव पड़ रहे मेरे, इतनी अच्छी तरबियत देता हूँ बच्चों को, जब मैं निकल रहा हूँ ना बच्चे मेरे पाँव चूमते। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। तो होए 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 ये है, देखे भाई भैया हीरो, ये कैसा हीरो था, बैठ गया है वो धागा, ओए अहमद को धागा मार दिया मुस्तफा ने, ओ माय गॉड ना जुल्म कर दिया अहमद मुस्तफा। ओ नहीं काटो नहीं काटो नहीं काटो नहीं काटो नहीं काटो नहीं भाई, ये भाई नहीं नहीं काट लेगा, उड़ जाओ उड़ जाओ, काट लेगा बता रहा हूँ। ये तो गाय मैं बता रहा हूँ, इसके दांत जो ये वाले दो दांत ड्रैकुला वाले ना, इतने खतरनाक नोकीले हैं जिसकी कोई हद नहीं है भाई, काटता है ना बोटी निकाल निशान लगा देता है यार। तो हाँ दिखाने नहीं है, बस भाई नजर लग जाती है, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो बार हम जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए गाइस, तो मिलते हैं आपसे शादी में जाके। शादी भी पता है पार्टीशन वाली है, वहाँ पे नकाबपोश यानी पर्दों वालों की शादी है, एहतियात से वीडियो बनानी पड़ेगी, हो सकता है मुझे अपनी और अहमद की बनानी पड़े, या अगर कोई मेरे कजन वगैरह आए तो सिर्फ उनकी बनेगी वीडियो भाई, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। यार हम लोग जा रहे हैं भाई शादी में और हमसे तो भाई रील वील नहीं बनी भाई, हमसे तो नाच वाच नहीं होता, पता नहीं कैसे नाच लेते हैं यार लोग, अपने इतनी कोशिश करी है भाई अहमद से हो गया, लेकिन मुझसे तो भाई मुझसे ना हो पाएगा भाई, मुझसे बातें करवा लो या कोई बदमाशी शदमाशी करवा लो यार, ये कबाड़िया। तो बाहर जाने के यार हम लोग जा रहे हैं शादी में, मिलता हूँ आपसे हॉल में जाके, सही है जा रहे हैं, हाफिज। A few moments later. अपना तो गाइस हॉल में मैं आ गया हूँ और एंट्री हो रही है, मेरे यहाँ से बराती आ गए हैं, ये वीडियो शीडियो बन रही है, दूल्हा साहब आ गए, अभी तक मेहमान आ ही रहे हैं, हमारे घर वाले अभी कोई भी नहीं आया है, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन मेहमान आ रहे हैं। मेहमानी से मुलाकात हो गई, असल मानी खैरियत से हैं, और कोई नहीं आया है? अच्छा आप लोगों को दो को बुलाया हुआ है।
और मानी खैरियत है ना, तो मामू आए हैं, मामानी आई हैं, अम्मी अम्मी नहीं अभी तक, मैं तो खुद बाइक पर आया हूँ। मैं कार में आता तो अम्मी से पूछता ना। तो भाई बस मेहमान तो तकरीबन आ गए, यही मेहमान है ना मानी, और तो नहीं ना। अच्छा वहाँ जाना नहीं है पार्टीशन, तो ये हॉल है। तो भाई मेहमान तकरीबन आ गए, क्योंकि आपस में कजनों की शादी है, मामू की बेटी है और उसके उसके मामू का बेटा है, दोनों आपस में कजनों की शादी है। तकरीबन ऑलमोस्ट मेहमान सारे आ चुके हैं, मखाने पूरी चल रही है जो होती है, फोटो सेशन, तस्वीरें वगैरह, पार्टीशन वगैरह हुआ है। पार्टीशन दरअसल करा है क्योंकि लड़की जो है हमारी पर्दे वाली है। भाई हेमा साहब क्या चबा रहे हो गधों की तरह? कुछ नहीं, ऊँट की तरह, सॉरी। बैठे हुए यहाँ पे अहमद और मैं, अहमद तो बोर हो रहा है भाई, वहाँ पे अम्मी सम्मी आ गई हैं, लेकिन अम्मी वगैरह जहाँ बैठी हैं वहाँ पे जाने पे पाबंदी है, सख्त पहरा लगा हुआ है, फुल आर्मी खड़ी हुई है वहाँ पे, तो वहाँ जा नहीं सकते हैं भाई, वहाँ पाबंदी लगी है, क्योंकि दुल्हन जो है ना सख्त पर्दा करती है। और हम लोग ना महरम है, अहमद भी ना महरम है, चले जाओ वहाँ पे दादी के पास, बोर हो रहा है। बच्चे तो हैं नहीं भाई, बच्चे हैं नहीं, क्योंकि वो बच्चे आए नहीं है, तो अहमद साहब बोर हो रहे हैं। अच्छा ये बड़ा मसला होता है यार, मैंने एक चीज़ देखी है, पार्टीशन वाली शादी में ना इंसान बड़ा बोर हो जाता है, कि पार्टीशन होते हैं बंदा ना वहाँ जा सकता है ना आ सकता है, एक जगह बंदा बैठे और बैठ के अपने घर चले जाए, तो पार्टीशन वाली शादी में खैर भाई मुझे तो मज़ा नहीं आता, एनीवेज आना पड़ता है, मजबूरी है, ख़ानदान की शादियाँ होती हैं भाई, बैठे में बोर हो रहे हैं। खैर जब खाना जल्दी जल्दी खुल जाए अल्लाह करे, निकाह तो हुआ हुआ है। खैर दिलशाद भाई भी आ गए, नदीम मामू भी आ गए, भाई बस इंतज़ार हो रहा है खाने का, और खाना खुले घर जाए ऐसी अब और करेंगे क्या बैठ। तो भाई दुल्हन चले गई ब्राइडल रूम में और हम आ गए लेडीज़ की तरफ, और लेडीज़ की तरफ आगे बैठे हुए अम्मी अम्मी यहाँ बैठी हुई नहीं है, लाइबा शाइबा यहाँ बैठी हुई है, ये बाल दिन हो तो तब जाएंगी वहीं। नोच दे नोच दे हल्के से। क्या कर रहे हैं यार तू? मैंने नहीं करा ये कसम, अबे इसने करा, मैंने नहीं करा। ये यार देखो अब यार, ये देख रिकॉर्डिंग देख किसने करा था, रिकॉर्डिंग देख उसके बाद करियो, ये देखें ये चोंच निकाल के टिकटॉक बनाओ, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी अम्मी, वो खाला कजन्स बैठी हैं, और अब हम जा रहे हैं अपनी जगह पे जहाँ हमें वीडियो बनानी थी, हमने बना ली। तो वैसे खाना स्टार्ट हो गया भाई, और खाना निकाल लिया, और अहमद साहब यार क्या मतलब है यार, तो मतलब बनाए नहीं वीडियो, क्या मतलब है ना, कंटिन्यू रखे ना, और हाँ थैंक यू भाई। खाना वाना आ गया, अहमद साहब ने खाना भी शुरू कर दिया, और सालन रोल चावल और कबाब। तो सो गाइस पहले खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से घर चल के या थोड़ी देर के बाद। तो भाइयों शादी वादी हो गई है ख़त्म, खाना वाना सबने खा लिया है, मामू का पेट से आप अंदाज़ा करें, गिलास भी उल्टे हो गए भाई, मामू कह रहे हैं गिलास भी उल्टे हो गए भाई। तो बस सब लोग अपने अपने घरों पर जा रहे हैं, और लाइटें बंद हो गई हैं भाई, मामू को मैंने बोल दिया भाई हम जा रहे हैं घर पे, रुखसती हो रही है भाई, एंड का सेशन स्टार्ट है और रुखसती का वक्त है। एक वीडियो में बता नहीं सकता क्योंकि पर्दे का सीन है भाई यहाँ पे, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाया था कि भाई रुखसती किस तरीके से हो रही है यहाँ पे, पर्दे वाली रुखसती। अरे इस कड़े में भाई दुल्हन को रुखसत कर रहे हैं, मैं अपनी अम्मी का वेट कर रहा हूँ यार, अम्मी आएंगी तो अम्मी को बोल के फिर घर के लिए निकलूंगा। अहमद तो चुप कर रहा है कि भाई जल्दी घर निकले, बस अहमद 5 मिनट और ये रुखसती हो जाएगी, हम अपनी बाइक पर बैठ के अपने घर रुखसत हो जाएंगे। कुर्सियाँ वर्सियाँ तो सब पलट गई हैं, कैसी तरसी हुई निगाहों से रुखसती देख रही है भाई, इसका भी टाइम आएगा भाई, तरसी हुई निगाहों से रुखसती देख रही है भाई, इसकी भी शादी हो जाए अल्लाह करे जल्दी जल्दी। तो भाई जा रहे हैं, रुखसती हो गई है, हम अपने अपने घर जा रहे हैं, हॉल बंद हो गया भाई। असलम मामू जो है ना हमारी मोमानी को छोड़ के कहीं चले गए, और मोमानी अकेले घड़ी में यहाँ पे। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। मैं बोल तो रहे यार, मैं देखो देखो मैंने पकड़ा हूँ किसी और लेडीज के साथ, मानी ये रही मामू, देखो आग लगा रहा है, बोला किसी लेडीज को मामू किसी और को लेके चले गए, उधर देख के गाड़ियाँ आ रही है भाई। A few moments later. हम लोग भाई शादी में से घर पर आ गए हैं, और हेरा समझ रही थी कि हेरा को खाना भेजा जाएगा, लेकिन हेरा खुशफहमी में थी भाई खाना आएगा, लेकिन खाना आया नहीं, अब हेरा को ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डर कर मैंने बच्चों को आ कर ली थी, मैंने बच्चे मुझे याद आ ली थी, चल झूठा, मैंने अच्छी मुझे याद आ ली थी, पतला 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 भाई को। तो एनीवेज गाइस घर पे आ गए भाई, मेरी शादी अटेंड कर ली है, कल है वलीमा। तो भैयों और भाइयों की बहनों
इस व्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक ठीक कर सकता हूँ। तो गाइस मिलता हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।